I've been meaning to watch this video for so long. पता नहीं किस वजह से, किस मसरूफियत की वजह से मैं ये नहीं देख पाई. और मैंने बहुत ही, मैं रिएक्ट भी करना चाहती थी और मैं देखना भी चाहती थी प्रायोरिटी बेसिस पे, बट क्योंकि ये व्लॉगर्स के बारे में है और मैं बहुत टाइम से व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ. मुझे व्लॉग करना है और मैं करूँगी. आई डोंट नो डेली होगा क्या, उसकी सूरत हाल होगी, मगर मुझे करना है. तो मैं देख रही थी कैरी मिनाती, एक इंटेलिजेंट इंसान है, एक रोस्टिंग मोस्टिंग उसका कुछ है जिससे हम इख्तलाफ करते हैं, मगर एज अ क्रिएटर आई रिस्पेक्ट हिम. उन्होंने अपना नाम बनाया, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने हमें कंटेंट दिया, उन्होंने हमें एंटरटेन किया. तो हम ये वीडियो देखेंगे और आई होप टू लाफ, आई होप टू बी एंटरटेन्ड बाय दिस. और लेट्स सी कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उन्होंने किस तरह से मॉक किया है डेली व्लॉगर्स को. हो सकता है दो तीन के नाम भी ले, मज़ा आएगा. लेट्स डाइव इन, लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर. आ जाओ. 3, 2, 1. ना 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 ना. दिस वीडियो इज पैरोडी स्पूफ. तुमको समझ आ रही है? जो को ये तो गाइस जस्ट अभी क्रिकेट खेल के वापस आ रहा हूँ भाई साहब. आज का मैच तो बहुत ही एक्टिव था. एक फ्लाइंग छक्का बीच रिकॉर्ड करने के गए. लिए 10 रिटेक लेने पड़ गए. फिर बॉलर ने ऐसी बाउंसर डाली, हेलमेट वाला कैमरा भी टूट गया गाइस. और उससे पैसे लेने चाहिए नहीं, आप कमेंट करके बताओ. हाँ लिख देना, ऊपर से साइकिल चला चला के मेरी जांगे और खराब हो गई है और वो रिटायर भी नहीं हुआ. वैसे गाइस लगता है कोई और स्पोर्ट से कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्रिकेट नहीं हो पा रहा है. गाइस आप पीछे मेरी क्रिकेट किट भी देख सकते हैं, बहुत प्यार से ली थी मैंने, वो रिटायर नहीं हुआ. वो रिटायर हो जाता उसका क्या जाता, लेजेंड तो वैसे ही बने हुए हैं वो. अब अगले साल फिर से साइकिल चलानी पड़ेगी. साइकिल चलाना चलेगा इस, कंटेंट साइकिल जरूर ये चलनी चाहिए. फ्लाइंग इसलिए बीस्ट है. आज हम जा रहे हैं मोनू के फ्यूनरल पे. चलो अभी हम नीतू के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है. अरे यार नीतू, अरे आ रही हूँ ना, पी 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 लगा रखा है. अरे भाग का रही है सुन तो, आ इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं वो खुशा को ना उल्टी हो रही थी. क्या हुआ, तूने व्लॉग किया बता. वो तेरा कल वाला व्लॉग देख के तो उल्टी कर रही थी. मोटे तू ज्यादा बोलने लग रही है ना, एक घुसन मारूंगा ना तेरे. अरे घुसन, मेरे को घुसन मारा है तो ये सब अपने व्लॉग में मत बोल. मोटे भूल गया पिछले बार जब मेरे वजह से थाने जाना पड़ गया था. अरे यार उस दिन तो सही के बर्थडे बम्स खाने पड़ गए थे. अब जा नाले, फिर भी तो जाना है. अरे एक चाय तो पिला दे यार. तो गाइस रितु हमेशा नखरे दिखाती है जब भी मैं उसको चाय के लिए बोलता हूँ, लेकिन बहुत प्यारी लड़की है, हमेशा मान जाती है. प्यारी लड़की से याद आया, ये देखो गाइस कंटेंट. अरे ले भैया ये कौन है? कुशु बेटा, पापा आम खा ले आपका. कुशु मूबा बोलो भैया, मूबा. पापा परेशान करना बंद कर दो, मैं बड़ी हो गई हूँ. कंटेंट से ही बड़ी हो गई है. हाँ कुशु बोलो मूबा. ला ला ला. गुड गर्ल. तो गाइस बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है. पर पापा आपने तो मेरा पूरा चाइल्डहुड ही व्लॉग किया है तो आपको तो पता चलता ही होगा ना. गाइस बच्चे क्यों बड़े हो जाते हैं, लगता है तीसरा करना पड़े. नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, चाय. चाय का तो इतना शौक है ना इन्हें, क्या ही बताऊं गाइस. चाय का शौक कैसे नहीं होगा, तेरे पापा ने भी तो दहेज में छन्नियां दी थी, अब पिलाएगी. ऐसा मत कर. अरे ये चाय की प्याली ना हमें हमारे फैंस ने गिफ्ट की थी, तो गाइस ऐसे महंगे गिफ्ट हमें मत भेजा करो. एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है हमको. मोटे तूने पिछले व्लॉग में खुद ही तो एड्रेस रिवील कर दिया था, 721 सेक्टर 8 नोएडा में रहते हम. तो मैंने इसलिए बतला था ना ताकि आप लोग हमें बर्थडे केक भेज सको. पर गाइस ऐसे ना महंगे गिफ्ट यहाँ मत भेजा करो, अच्छा नहीं लगता. हाँ हाँ वो हमारे नागपुर वाले फ्लैट पे भेज देना, 321 गली 6 महिपाल कॉलोनी. सुनाएगा अब? तो गाइस मैं फ्यूनरल के रेडी हो चुका हूँ, अभी आपको जाके वहां पे आउटफिट दिखाता हूँ कैसी है. अरे यार अरे यार तो झुका भी नहीं जाता है. मोटे कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मोटे ये क्या पहन लिया? अरे अर्थी उठानी है, उड़ानी नहीं है यार. कभी तो पहनने दिया कर पायलट वाली, 5 साल से नहीं पहनी. वो एक दूसरे को तो मैंने कहा था केस ठोकने को. अगला केस तलाक का ठोक दूं?
बकवास कर रही है। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. The guys, just अभी पियूसा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है दाल चावल। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछे थे आप रोज रोज दाल चावल कैसे खा सकते हो, तो लोगों को बताना चाहता हूँ गाइज हम डिनर में पोहा भी खाते हैं। क्या बोला पियूष? तो गाइज पियूष ने फिर से कुछ मंबल किया है, एक बार इस बार ना ढंग से सुनते हैं। जोरदार मेरे को भूख लग रही है। तो गाइस पीयूष कह रहा है उसे अभी भी भूख लग रही है। अरे आपका आधा व्लॉग तो मेरी बातें रिपीट करने में चला जाता है। तो गाइस पीयूष कह रहा है हमारा आधा व्लॉग तो उसकी सारी बातें रिपीट करने में। ओ कौन है ये? तो गाइस हमने पीयूष के लिए एक और ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। तो गाइस पीयूष का ब्रेकफास्ट आ गया है। बेटा सौरदा को थैंक यू बोलो इसके लिए, इस जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए। तो गाइस पीयूष ने अपना ब्रेकफास्ट पी लिया है, अब चलते हैं मोनू के फ्यूनरल पे। पर उससे पहले पीयूष को स्कूल छोड़ेंगे, और उससे भी पहले चाची के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, और उससे भी पहले पिछला वाला व्लॉग होगा। तो गाइज बहुत दिनों से चाची जी को सरप्राइज नहीं किया था, व्यूज कम हो रहे थे, तो आज चाची जी को सरप्राइज करते हैं। अरे देखो गाइज चाची जी आ गई। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे दिन में? अरे चुप रहो। अरे चाची जी आपके लिए सरप्राइज है। अरे तो ये खोदे खोलो ना पहले, ये बांध दिया इन्होंने पता नहीं क्या। अरे ये लो, ये क्या है इतना बड़ा डब्बा? क्या है इसमें? क्या घर खोलो, घर के आइटम है क्या? चल ये तो तुमने मेरे को काम में लगा दिया। हाँ, ये तो एक और डब्बा है, तो खोलो खोलो तो सही। अरे अरे अय्या पीयूष पीयूष मत कर, पीयूष पीयूष खोलो ना। चाची जी मेरा मेरा गिफ्ट है ना। अरे आ गया। ये हटा। अरे चाची जी को करने दो ना। चलो लो करो करो उठाओ। अरे ये और बीच में आ गया पीछे। मैंने बोला ना मेरा गिफ्ट है। हां पीयूष शरारत मत कर, मुझे पता नहीं है कौन है। अरे अप्रैल फूल डेली ब्लॉग देखती भी नहीं हूँ। अरे मम्मी जल्दी खोलो ना, एंगेजमेंट आईडिया है। खोल रही हूँ ना, और बच्चों को नहीं गिफ्ट देना, जल्दी कागज में पैक कर देंगे हम। देखना साल लगाओगे बढ़िया। ये तो आईपैड है, मोबाइल सरप्राइज। अरे ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ इस पे चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या आप लोग सब कुछ? सरप्राइज चाची जी सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं गार्डन। सॉरी सॉरी, मैं ना आपको गांव भेज दूंगा। दोबारा कर ले, दोबारा चिपकाना पड़ेगा। अरे वाह सरप्राइज। ये क्या है सिलवट्टा? थैंक यू बेटा। अरे पागल औरत, आईपैड है एप्पल। थैंक यू बेटा, ये चलाते कैसे बताना मेरे को, तो इसको कैसे चलाएंगे? अरे बेटा एक मुझे भी चाहिए। अरे आपको पिछले हफ्ते तो दिया था। अरे उसका कलर वाइट है, मुझे ग्रे चाहिए। ठीक है और तो गाइज अगले हफ्ते चाचा जी को सरप्राइज देंगे। थैंक यू। और मुझे तुझे अभी दी तो थी पिछले की बोतल, कितना गिफ्ट चाहिए? अरे गाइज ये देखो कॉफी बीन्स, एक बार चाची ने ये चने समझ के खा लिए थे, फिर पूरी रात भाग रही थी। गाइज ये देखो कॉटन, ये चाचा जी के नाभि से निकलते हैं, इसे हम कलेक्ट करते हैं। गाइज ये देखो अवार्ड, इसे मैं अगले हफ्ते पैक करके अनपैक करूंगा। गाइज ये देखो बाथरूम का दरवाजा, अंदर देखते हैं क्या है। अरे पीयूष तू यार, पीयूष बताना, पीयूष व्हाट आर यू डूइंग पीयूष? अरे मुंह तो दे यार, अपना घुस जाएगा अंदर। तो गाइज हम थार में पहुंच चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पीयूष सैड है। पीयूष सैड क्यों है तू बता, प्लीज बता पीयूष, पीयूष व्हाई आर यू सैड? पीयूष। अबे पीयूष क्या लगा रखा है? पीयूष है नाम मेरा, बचपन तो तूने कंटेंट बना के चोद दिया, और अब तू मुझसे बोल रहा है कि मैं सैड क्यों? अबे जितना कंट्रीब्यूशन मेरा है ना इसमें, उस हिसाब से चैनल का नाम होना चाहिए था पीयूष एंड सौरभ व्लॉग। सेवन तो मैं दो बार फेल हो चुका हूँ, मैं तेरे चक्कर में। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तेरे को एग्जाम प्रिपरेशन व्लॉग बनाने का मन करता है। अबे रट्टा मारने के 500 रीटेक दिए थे मैंने उस रात, मैं सो नहीं पाया। अगले दिन एग्जाम में सो गया, रिजल्ट आया, पापा मम्मी ने कूट दिया, और तूने भाई साहब उस कूटने का भी वीडियो बना दिया और टाइटल डाल दिया कि पीयूष की हुई ठुकाई सैड इमोजी। तू चूतिया वूतिया है क्या भाई? ये आदमी है ना एड रेवेन्यू के लाखों रुपए कमाता है, पर मेरे को ब्रेकफास्ट में देता है बिस्लरी की बोतल, हम लोग को दाल चावल खिला के यूट्यूब फैन फेस्ट में जाता है और खाता है रिसोटो फॉर्म वाला। अरे टट्टी में सब लोग बैठ जाते पर बोलते हैं वेलकम गाइस, हग रहा हूं मैं। अरे टीचर भी अब मुझे चूतिया का भाई बुलाने लग गई है, और ये बोल रहा है कि मैं सैड के हूं। तो एक बात बता भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सारे सब्सक्राइबर्स आए, हेलो करे, हेलो हेलो पीयूष देख। तो गाइस लगता है पीयूष स्कूल चला गया। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? गाइस हम फाइनली मोनू की नियत पे पहुंच चुके हैं, और पीछे मेरी बीवियां, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर
अरे यार, एक तो तुम्हारी इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, बीवी नंबर एक ये बीवी नंबर दो। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, हम कुछ उन्हें व्लॉग्स के रूल बता दे, जिससे कि हर 5 मिलियन सब्सक्राइबर एड होने पे एक नई बीवी आएगी, 6 घंटे में हमारे 1 लाख लाइक्स हो जाते हैं तो एक नया बच्चा अनबॉक्स होगा। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा वापस अंजू के साथ होगा या नहीं। वैसे यहाँ हाया ना करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोमो पे अपनी नॉलेज से हाया ना करने पे आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, प्रोमो इंडिया की नंबर 1 ट्रेडिंग ऐप है। इस ऐप पे आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक चूज करो, जैसे क्रिप्टो, क्रिकेट या यूट्यूब, उस टॉपिक पर उधर आपको सवाल आएंगे। जैसे कि यूट्यूब का क्वेश्चन है कि विल कैरी मिनाटी यूट्यूबर क्रॉस 20 मिलियन व्यूज ऑन हिज लेटेस्ट वीडियो बाय 31 जुलाई। इस पे आप यस और नो जवाब दे, अपनी पूरी स्किल और नॉलेज लगाए और पैसे जीते। मेरा जवाब तो नो है, क्योंकि उसकी अभी तो एक शादी भी नहीं हुई। और सबसे मजेदार बात, आप इस ऐप पे अपने पैसे इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको ओपिनियन सही निकला तो आप लाखों रुपए जीत सकते हो, उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हो UPI वगैरह में। जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उससे डाउनलोड करो। सबको इस लिंक से 25 रूपए तक मिलेंगे प्रोमो पे ट्रेडिंग करने के लिए, और आपका पहला ट्रेड मेरी तरफ से। संग्राम जी, संग्राम जी इधर आइए। क्या हो गया बाबू, ये हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा मेकअप खराब है क्या? अरे मेकअप एकदम टिप टॉप है, बस इनका ना थोड़ा आईलाइन कम है। ये देखिए आप, जब इस पे +1 लिखा है तो 2 जन को एंट्री कैसे दे दें? जब मेरी 2 बीवियां हैं तो मैं +1 कैसे करूं? इन दोनों को वेल्ड करवा दूं? ये रोबोट थोड़ी है। तुम भी कुछ बोलो। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। गजब लोग हो यार। गाइस, हमारे साथ हमेशा ऐसी होता है, इंसान चैन से 2 बीवियां नहीं रख सकता है। और बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि संग्राम जी, आप अपनी दोनों बीवियों में से रात में ज्यादा टाइम किसको देते हैं? तो उन लोगों को मैं बता दूं। बेंचो, थ्रीसम सुना है? थ्रीसम? अरे शान हो गया यार, मैं कॉन्डम खरीद खरीद के। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे मैकेनिकल गौरव जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा कॉन्टेंट खाने आया, साला कुत्ते की मैयत पे भी आ गया। Take 2। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश, अमेजिंग, बहुत ही क्रेजी एपिसोड में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इसकी ग्लास छू के पता लग रहा है आपकी औकात के तो बाहर का ही है। दोस्तों यहाँ 4 मोमो भी पड़े, टेस्ट करके बता दो कैसे है। अरे मैकेनिकल भाई, ये मोमो नहीं मोदक है। दोस्तों ये बिन प्लेन का पायलट मुझे मोमो और मोदक में फर्क समझा रहा है। मोनू के मोमो का मात चुराने। दोस्तों आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है। ये प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। गरीबों, चूतिए जल्दी लगा इसे। दोस्तों हर ब्लॉग की तरह मैं इस ब्लॉग में भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो दोस्तों पैसा, ये लो गरीब ब्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा। ये देखो गाइस, गरीब अपना पेट भर लेंगे मोनू की मैयत की मात चौधरी में। ये देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके। ये देखो दोस्तों मैंने सोने की ब्रा भी पहनी हुई है। भैया आप तो बबला नहीं लग रहे हो। दोस्तों मैं इस चूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है। मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है, जग सोना सोना लागे दोस्तों। तो गाइस हम फाइनली सह परिवार मोनू के फ्यूनरल पे पहुंच चुके हैं, काफी सारी लाइटिंग कर रखी है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सौरभ आया हुआ है। आंखें बंद। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ गौरव भी आया हुआ है और गौरव भैया भी आए हुए हैं। अरे गौरव भैया कैसे हो? तो गाइस कमेंट करके बताओ सारे ब्लॉगर्स का नाम गौरव क्यों होता है, सौरभ क्यों नहीं होता? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे गौरव सौरभ चूतिए ब्लॉगर्स आए हैं जो एड रेवेन्यू पे चलते हैं, लेकिन मैं एड रेवेन्यू पे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी सोने की चप्पलों पे। यूट्यूब का एड रेवेन्यू मैं देता हूँ। अंकल चॉकलेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ काफी गरीब बच्चे आए हुए हैं, मैं नहीं रह सकता है यहाँ 1 मिनट भी। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। लाइक शेयर करना है तो करो, वरना मत करो। मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं, मत चुदाओ तुम लोग। आई एम द बेस्ट। मिलते हैं अगले शो वाले व्लॉग में। हम कोई रोबोट थोड़ी है संग्राम जी के। आप प्रोबो पे जाइए, अपनी नॉलेज से जाके डायरेक्टली
अभी अभी रुक जाओ, अभी नहीं वाला नॉर्मल वाला, हाँ हम बता देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। कोकेन से बढ़िया चाय है। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, पवन डर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर, असली चेहरा उसे सब है पता। किसी दिन ना हम कैरी में नाती का रैप रियाक्ट करेंगे, ये अलगार मैंने बहुत सुना है, बहुत मजे का है, इनको और रैप करना चाहिए, नहीं करते, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हम, बट इट वॉज फन, द वीडियो वॉज फन। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रही थी कि लड़के ने कितनी मेहनत की है, कितना, एक तो आर्ट साइड ना कि वो बहुत टैलेंटेड है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है, उसका चीज़ें सीखना पड़ रहा है, उस तरह से उसको प्रिटेंड करना पड़ रहा है, तो वो तो एक अलग आर्ट है, वो क्रिएटिविटीज़ की है, माइंड की यहाँ से वो आ रहा है। उसके अलावा टेक्निकली उन्होंने कितने सेट बनाए हैं, कितने लोगों को हायर किया, किस तरह से बारीकी दिखाई है, वो बहुत मज़ा आया। चार व्लॉगर्स को उन्होंने टारगेट किया है, जो कि सौरभ गौरव ऑफलाइन बीस का मुझे पता था, बाकी तीनों का नहीं पता था, और उनको दिखाया कि वो किस तरह से डेली लाइफ, किस तरह से व्लॉग करते हैं, बेसिकली उसका फ़न, उसको मॉक किया है, उसका फ़न उड़ाया है, उसका मजाक उड़ाया है, उसको दिखाया कि भाई अब हम ये खा रहे हैं, पाकिस्तान में मां सफदर है, डक्की है, मुझे नहीं पता किस लेवल का वो व्लॉग करता है, डक्की के व्लॉग्स मेरा बॉयफ्रेंड देखता है कभी कभी, और उसको डक्की पसंद है, पता नहीं, मुझे नहीं पसंद, इतना ज़्यादा नहीं पसंद डक्की, वह पसंद ही है, वह मैंने कभी उनका व्लॉग देखा, और ऐसे एस्ट्रोलॉजी है, और वो भी यही कहते हैं कि अभी हम यहाँ जा रहे हैं, अब हम ये पहन रहे हैं, अब हम ये खा रहे हैं, तो इसको बस वीडियो बना के डाल देते हैं, तो उन्होंने मॉक ही किया, उन्होंने बस उसको फन वे में पेश किया है। मज़ा आया मुझे, मज़ा आ रहा था, इन्जॉय करी थी मैं पूरी वीडियो को, पता नहीं कित 14 मिनट्स की थी, आई वॉज इन्जॉइंग इट, इट वॉज गुड। मैं भी व्लॉग स्टार्ट करूँगी, उसके लिए तो मेरे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो डिस्क्रिप्शन में, और हम थोड़ा डिफरेंट तरह से व्लॉग करेंगे, इस तरह नहीं मैं ये खा रही हूँ, मैं पता नहीं, लेट्स सी, उसको अभी नहीं बोलते कुछ, और बस इतना ही इस वीडियो में, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट करीमनाती के रिएक्शन पे, तब तक ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो मेरा, और बाय, गुड नाइट। दोस्तों हर व्लॉग की तरह मैं इस व्लॉग में भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, ये देखो दोस्तों पैसा, ये लो गरीब व्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा, ये देखो गाइस गरीब अपना पेट भर ले, देखो दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये मैं गरीबों में बांट दूंगा, ये देखो दोस्तों मेरे हीरे के फोन पे सोने का कवर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड जल सके, ये देखो दोस्तों मैंने सोने की ब्रा भी पहनी हुई है। भैया आप तो बबला लग रहे हो। दोस्तों मैं इस जूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। ये देखो दोस्तों मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता हूँ तो सामने वाला खुशी से मर जाता है, मेरी तो कॉर्निया में भी सोना है, जग सोना सोना लागे दोस्तों।